परिवार कल्याण निदेशालय दिल्ली सरकार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनकपुरी नई दिल्ली, स्टार इमेजिंग एंड पैथले प्राइवेट लिमिटेड एवं दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में 23 सितंबर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में सेल्फ गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे विजय कुमार, डीसीपी वेस्ट दिल्ली। इसके अलावे डॉक्टर ए एस पोपली, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनकपुरी, डॉक्टर सत्यजीत पांडे, नोडल ऑफिसर दिल्ली सरकार, डॉक्टर मोहित गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रोफेसर जीबी पंत हॉस्पिटल। इस अवसर पर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने आज के परिवर्तित जीवन पद्धति और उसके दुष्प्रभाव के बारे में अपनी राय व्यक्त की और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सारी बुराइयां एवं अच्छाइयां मन के भीतर समाहित होती है। कौन कौन कहते हैं हम केवल खुशी के लिए कार्य करते हैं, वो भी कोई नहीं कहता। अच्छा, वो कहते हैं हम खुशी के लिए कार्य करते हैं, और कौन कौन कहते हैं हम पैसे और खुशी दोनों के लिए कार्य करते हैं। देखो, इसमें हाथ उठाना पड़ेगा, बीच का काम नहीं चलेगा। हाँ, बीच का काम नहीं चलेगा पक्का। सभी को पार्टिसिपेट करना है क्योंकि यात्रा हम सबकी। तो आपने कहा हम पैसे और खुशी दोनों के लिए कार्य करते, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि तीनों चॉइस हमारी गलत थी और राइट चॉइस मैं आपको दूंगा तो आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बताएं। अब एक बात बताएं, हमको खुशी के लिए कार्य करना चाहिए, खुशी से कार्य करना चाहिए, बताइए। खुशी से करना चाहिए। फिर आपने तो टोका नहीं, आपने काम खुशी के लिए और पैसे के लिए दोनों के लिए, क्योंकि ऑप्शन ही तीन थे। करेक्ट तो कर सकते थे ना, अगर क्वेश्चन पेपर ही गलत हो तो करेक्ट तो कर देना चाहिए कि क्वेश्चन ही राइट नहीं है, है ना। तो आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हमने अपने मन अपने जीवन को उलझा हुआ बना दिया। डॉक्टर मोहित ने स्वस्थ तन और मन के गुण भी बताए। इस अवसर पर डीसीपी वेस्ट दिल्ली श्री विजय कुमार ने कहा कि चिकित्सक एवं पुलिस दोनों का ही कार्य इमरजेंसी ड्यूटी होती है और कभी कभी हम लोगों को 24-24 घंटे कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संयुक्त रूप से बेटी बचाओ अभियान का भी शुभारंभ किया गया और यह संकल्प लिया गया कि देश का ऐसा राज्य बनाया जाएगा दिल्ली को, जहाँ कन्या भ्रूण हत्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस अवसर पर बेटी बचाओ अभियान का एक पोस्टर भी जारी किया। कार्यक्रम को सफल संचालन में श्री समीर भाटी एवं श्रीमती सांत्वना बेडनेकर का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर हमने विशिष्ट अतिथियों एवं विशेषज्ञों से भी बात की। ये IMA के द्वारा आयोजित प्रोग्राम था डॉक्टर्स के लिए, इसमें दिल्ली पुलिस की भी ओर से कॉलेबोरेशन था। इसमें हमने हमारे पुलिस वालों के लिए और IMA ने अपने डॉक्टर्स के लिए दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रोग्राम रखा था। बेसिकली IMA का प्रोग्राम था, लेकिन हम लोग उसमें शरीक हुए हैं और ये था कैसे हम अपने कार्य को करते हुए अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं ताकि काम भी अच्छे से कर सकें। आप रक्षा तभी कर सकते हो जब स्वास्थ्य आपका ठीक हो। बेसिकली ये प्रोग्राम था कि हमारे डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको भी हेल्थ की बड़ी सारे इश्यू रहते हैं, स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है और ऐसा ही पुलिस के साथ भी है, तो कैसे इस चीज़ से फ्री रहा जा सकता है, इसके लिए प्रोग्राम था जो IMA में हुआ है और ये स्टार इमेजिंग वालों ने जो है इसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस प्रोग्राम को। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था, तो बेसिक पर्पज़ इसका ये था कि कैसे पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। आज हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में शुरुआत की है IMA जनकपुरी दिल्ली पुलिस के सहयोग से और स्टार एजुकेशन एंड स्टार इमेजिंग की तरफ से। हमारा एम है कि हम दिल्ली को एक ऐसी पहली स्टेट बनाएं इंडिया में जो 100% फीमेल इन्फेंटिसाइड फ्री स्टेट हो। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी कुछ कर रही है, पर हमारे को इस चीज़ से मुक्ति पानी है और IMA जनकपुरी इसमें पूरा सहयोग करेगी। अगर हमारे को अपना अस्तित्व कायम रखना है तो इसको कामयाब करना है। ये हम सिर्फ हमें नहीं करना है, आप लोगों को भी करना है। जब तक आप लोग ये कहना नहीं बंद करोगे कि पुत्र नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, कौन आपकी चिता को अग्नि देगा, तो आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये सिर्फ डॉक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेरेंट्स आप लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा वो हो। आप लोग ही आज जाते हो डॉक्टरों के पास जो ये सब चीज़ों के लिए उनको इंस्टिगेट करते हो, उनको प्रोत्साहित करते हो। मत करिए आप प्रोत्साहित, मैं तो चाहता हूँ ये एक
अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ डॉक्टर या पुलिस ही भागीदार है। जब मैंने इस प्रोग्राम के बारे में सुना कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस, ब्रह्म कुमारीज, IMA सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में जो ये कॉन्सेप्ट था कि जब तक पूरी समाज नहीं स्वीकार करेगी बेटियों को, तब तक हम कितना भी कानून को कितने भी इफेक्टिव ढंग से लागू करवा लें, जब तक माइंडसेट नहीं चेंज करेगी, तब तक हम जो सेक्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो काफ़ी लो है, उसको बदलने में, उसको बढ़ाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं समाज में जब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, एक्सेप्टेबिलिटी डॉटर्स की, तब तक हमारा जो ये भ्रूण हत्या है और जो फीमेल फेटिसाइड है, सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मीनस है, ये बंद नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने ये थीम दी कि एवरीबडी फॉर डॉटर्स, दैट इज दिल्ली पुलिस फॉर डॉटर्स। वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, तब समाज में एक परसेप्शन चेंज होगा कि हमारी बेटियां भी सुरक्षित है। डॉक्टर्स आर फॉर डॉटर्स, डॉक्टर्स ये सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल फिटिसाइड करना बंद कर देंगे, तो डॉक्टर्स आर फॉर डॉटर्स। और हमारी फ्यूचर में भी ये है कि जो डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स फॉर डॉटर्स, वी फेलिसिटेट देम एट द स्टेट लेवल, उनको राज्य स्तर पर हम एक प्रोत्साहित करेंगे ताकि हम सेक्स रेशियो को बढ़ाने में कामयाब हो पाए। पूरे दुनिया ने हलचल और नेगेटिविटी का बोलबाला है, और ऐसे समय पर बहुत आवश्यक है कि बाहर के परिवर्तन से पहले हम अपने मन का परिवर्तन करें, क्योंकि जब तक मानव के जीवन के अंदर स्वयं परिवर्तन नहीं होता तो बाहर का परिवर्तन असंभव है। और आज हम बाहर परिवर्तन करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि हर मानव चाहता है कि दूसरा व्यक्ति चेंज हो, लेकिन परमात्मा अवतरित होकर ये मैसेज देता है कि जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलोगे, तब तक विश्व परिवर्तन एक कार्य नहीं हो सकता। तो हम सब, आप भी हैं, बाकी दर्शक भी सुन रहे हैं और भी आत्माएं हैं, अगर हम रोज़ एक अच्छा संकल्प लेके अपने मन को सुमन बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, हर आत्मा को सुख और शांति देने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं, तो स्वयं के परिवर्तन से हमारा परिवार सुखद और अनुभूति करेगा, पॉजिटिव बनेगा। जब हमारा परिवार के अंदर सुख होगा तो हमारे समाज के अंदर होगा, समाज के साथ हमारे देश, हमारे विश्व के अंदर सुख। नमस्कार, मैं डॉक्टर सांत्वना वेर्णेकर मुंबई से आई हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी मुझे कुछ दिनों पहले दी गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि ये बेटी बचाओ अभियान का जो शुरुआत हम कर रहे हैं, तो इसका एक मूल मंत्र हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर मोहित गुप्ता हम सबको, डॉक्टर्स को एंड दिल्ली पुलिस को, IMA जनकपुरी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ जानकारी देंगे, हमें हमारी ज़िंदगी को कैसे सुधारना है, कैसे एक सही रास्ते पर लेके आना है, कैसे हम मेडिटेशन के थ्रू हम कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने हमसे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था आने के लिए। मैं ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा देख रही थी, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जनरली लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब लोग हमें कहते हैं कि हम किस डायरेक्शन में, किस राह पर चलना चाहिए। और ये जो राह थी जिसमें दोनों ही जो टॉपिक थे, बेटी बचाओ अभियान जो कि स्टार पैथ लैब्स एंड इमेजिंग सेंटर, दिल्ली पुलिस, IMA जनकपुरी एंड डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ वेलफेयर, इन चारों ने मिलकर के किया, और दूसरा जो कि हम राजयोग के थ्रू हम अच्छे एक संसार को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो ये दोनों का एक माध्यम था आज जो स्टार वालों ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स का एंड स्टार एजुकेशन सेंटर का। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम था बेसिकली, इसमें हमने हेल्थ केयर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, क्लिनिक्स वगैरह, डॉक्टर्स का, दूसरा दिल्ली पुलिस एंड तीसरा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, तो सब जगह के जो लीडर्स जो सारा लीड करते हैं, उन लोगों को हमने टारगेट किया था, उन्हीं के ऊपर एक ये प्रोग्राम था। हमने मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मोहित गुप्ता, जो कि जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी एक बहुत ही इनलाइटफुल उन्होंने सेशन लिया, उसके ऊपर उन सबको बताया कि पुलिस वालों की लाइफ में किस तरह की स्ट्रेस होती है, डॉक्टर्स की लाइफ के अंदर किस तरह की स्ट्रेस होती है, उन सब चीज़ों पे हुआ। साथ ही साथ एक सेव गर्ल चाइल्ड कैंपेन जो लॉन्च हुई है, वो भी आज के दिन में लॉन्च की गई थी। इसमें जो आज चीफ गेस्ट थे वो DCP जो वेस्ट के हैं विजय कुमार, उन्होंने जो सेव गर्ल चाइल्ड कैंपेन है उसको लॉन्च किया। बाकी PCNPNDT एक्ट है जो सेव गर्ल चाइल्ड और कन्या भ्रूण हत्या पे कंट्रोल करता है, उसके भी नोडल ऑफिसर आए थे, उन्होंने भी आज इस चीज़ को आगे लॉन्च किया है। अब जो
आज जो कैंपेन लॉन्च हुई है इसका इसको बड़े लेवल के ऊपर सेंट्रल पार्क के अंदर 14 नवंबर के को किया जाएगा। जिस बाकी ओवरऑल इसका जो मेन मोटिव ये था कि हाँ हमारी लाइफ जो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो चुकी है डॉक्टर्स की पुलिस वाले की उसको किस तरह से स्मूथ करके आएँ। साथ ही साथ हमने इसमें अध्यात्मों को भी जोड़ा था जिसमें ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई डॉक्टर्स को हॉस्पिटल वालों को बाकी जो और भी दिल्ली पुलिस वाले थे उन सबको मेडिटेशन प्रैक्टिस कराई कि हाँ अगर मेडिटेशन को हम लाइफ के अंदर लेकर आते हैं तो बहुत सारा हमारा माइंड बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी।